बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को ईद उल ज़ुहा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ईदी देने लगा हूँ, बचा पार्टी को। वैसे इस नमकीन ईद पे किसी को ईदी देते नहीं है, मगर इसलिए देता हूँ बच्चों की तो ईदी पैसों से शुरू होती है। तो बचा पार्टी को देखते हैं, बकरों को देखते हैं, फिर एक माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी है वो देखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट होगी, हलीम भी पकेगी, कोफ्ते भी पकेंगे, मलाई बूटी भी पकेगी और तकसीम भी होगी इंशाल्लाह ताला। अब चलते थे फैमिली मेम्बर्स की तरफ। यहाँ पर इसके बारे में बताऊँ कि ये हमारा बरामदा है, यहाँ पर मेहमान या कोई भी गेस्ट आता है तो यहाँ पर बैठता है। वैसे टीवी लोन यहाँ पर है और गोश्त वगैरह जो बनाना है हमने यहाँ पर बनाना है, जो खाना पीना है हम ज़्यादा दो मतलब मेहमान आ जाएँ तो यहाँ पर चटाई बनाकर यहाँ पर बैठकर खाना खाया जाता है। ओए नाभिया बेटा, ईद मुबारक, पैसे तो ले ले मेरी गुड़िया, त्यार तो ही नहीं है। अच्छे ईद मुबारक अली, तू ठीक ठाक है? ईद मुबारक। ओए तेरी गाय, ईद मुबारक। ओए कोई एक एक पकड़ो, एक ईद मुबारक। सकलाइन ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरे शहजादे, ये ले तुम्हें ले। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा आपको मिल गया? 100 रुपये की खातिर कर नहीं है। ईद मुबारक। बड़ा एक कैमरा की तरह कमरी। ईद मुबारक। बड़ा एक हेलो आसिफ जी, हेलो फातिमा, ईद मुबारक। ठीक हो गया? तो भाई इस तरह ईदी देने के बाद कुर्बानी के जानवरों को लेकर निकला हूँ साथ बचा पार्टी को, कि आओ थोड़ा इनको घुमाते हैं, फिराते हैं, खिलाते हैं और उसके बाद फिर कुर्बानी करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कह रहे हैं कि आज हमारे इन जानवरों ने कुर्बान हो जाना है। थोड़े से दुखी भी हैं, मगर मैंने इन्हें समझाया है कि कुर्बानी हम पे लाजिम है कि हमने देनी है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा क्या बनाया, क्या खाया, कितने फैमिली मेम्बर्स आए, तो वो अगली वीडियो में आएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।